अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आपको मेरे और पूरी जियो टीम की जानिब से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आजकल पाकिस्तानी अवाम ने जश्न आज़ादी मनाने का एक नया ट्रेंड निकाला है और वो है या तो बाजे बजा के या फिर बाइक के साइलेंसर निकाल के। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम खुशियों में इन्हें अपना कौमी तराना याद भी है। आइए ये सवाल हम इनसे खुद पूछ लेते हैं। बाजे होते हैं, साइलेंसर निकले होते हैं गाड़ियों के, ऐसे होते 14 घंटे। अच्छा, कौमी तराना याद है? नहीं याद। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं भी बाजा लूँ, बजाऊँ। कौमलक संतलत दादा पिंदा बाद मरकजे यकीन सुरी इतना याद। अब्दुल्ला, आप क्या अभी कर रहे थे? मैं बाजा बजा। कौमी तराना आता है? आता थोड़ा थोड़ा आता। थोड़ा थोड़ा आता। क्यों, स्कूल जाते हो? जी। तो फिर असेंबली में नहीं पढ़ते? सुनते नहीं है। सुनते नहीं, मतलब असेंबली में आप नहीं सुनते हो? वेरी गुड। अच्छा, कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ याद है? मैं ख्याल आई थिंक कौन से क्लास में हो? 10th। और माशाल्लाह एग्जाम कैसे पास किए? एग्जाम 9th के अभी अभी दिए। पास हो गए हो? जी, नए भी रिजल्ट नहीं आए। मुल्क बनाने का ख्वाब किसने देखा था? वो कायदे आजम ने देखा था। कायदे आजम ने देखा था। और मुल्क बनाया किसने? कायदे आजम ने। 14 निकात किसके थे? कायदे आजम के थे। 9 पास किए और एक बार का कोई शेड नहीं याद? एक मिनट, ये हमारे मुल्क और हमारे कौम का फ्यूचर है। आप देख सकते हैं, इन्होंने 9 पास किए और इनको ना तो कौमी तराना याद है और ना ये सुनते हैं और ना इनको ये पता है कि मुल्क आज़ाद करने का ख्वाब किसने देखा था। इलाम इकबाल ने। 14 अगस्त किस तरह से सेलिब्रेट करते हो? 14 अगस्त वो बाजे होते हैं, साइलेंसर निकले होते हैं गाड़ियों के, ऐसे होते 14 अगस्त। कौमी तराना पढ़ना आता है? जी। अच्छा, सुना दो फिर। पाक सर जमीन शादबाद, किश और हसीन शादबाद। हम घूम फिर के सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ जाते हो? कायद के मज़ार। अच्छा, कौमी तराना याद है? नहीं याद। बिल्कुल भूल गए। चक्कर में सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इसके चक्कर में? लड़कियों के चक्कर में। लड़कियों के चक्कर में सब भूल जाते हो? पाक सर जमीन शादबाद वो सुना दो। पाक सर जमीन शादबाद, ई बड़े हसीन शादबाद।